धर्म पिताएं जो है असली, जैसे परमात्मा बाप इस पृथ्वी पर आते हैं, तो उसमें असली बाप कौन है? देहद के दो बाप है, उसमें असली बाप कौन है? और वास्तव में जो नकली है, कभी कोई रूप कभी कोई रूप धारण करता है, वो कौन है? हैं तो दो देहद के बाप। असली बाप परम पिता शिव है। आज असली बाप परम पिता शिव है, जो कभी रूप बदलता नहीं, और जिसमें प्रवेश करता है वो रूप बदल जाता है। ऐसे ही ऊपर से आने वाली आत्माएं जो परम धाम से डायरेक्ट इस धरती पर उतरती, वो अपना रूप कभी नहीं बदलती, वो क्रिश्चियन से बदल करके कभी देवता नहीं बनेंगे। क्या इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, वो कभी कन्वर्ट नहीं होते, और उनके जो पक्के फॉलोअर्स होंगे वो भी कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। हाँ, वो जिनमें प्रवेश करते वो कन्वर्ट हो जाते, तो उन कन्वर्ट होने वालों के फॉलोअर्स भी होंगे, वो भी कन्वर्ट हो जाते। पूरी बात समझ में नहीं आई है। जो बीज रूप यहाँ होते हैं ना, हाँ जी, वो सब पुरुष तन का ही होता है या स्त्री तन का भी होता है? बीज रूप से कनेक्शन स्त्री पुरुष का नहीं है, जगदम्बा है, रुद्रमाला का बीज है, स्त्री चोला है, लेकिन स्वभाव संस्कार पुरुष का है। कोई जगदम्बा को कंट्रोल करना चाहे जीवन भर के लिए, ये कतई संभव ही नहीं। बाप तो याद से शीतल बनती है, थोड़ी खाने की तो छुट्टियों में खाने दिया है, खाने दिया तो बंसी जो वो उसका यादगार है। माँ के समान भी कुछ आता ही बच्चे बनाएंगे। और कोई देवता का काम इंद्रिय नहीं पूजी जाती है, माना कोई भी देवात्मा इस स्टेज पर नहीं पहुंचती है जो 100% काम इंद्रिय को जीत पाए। ये एक ही आत्मा का गायन है जिसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं मुकर्र रूप से। प्रवेश तो औरों में भी प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा अनेकों के नाम है,
जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा, लेकिन मुकर्रर रक्त एक ही है। वो मुकर्रर रक्तधारी जो नाम रूपधारी आत्मा है वो काम इंद्रिय पर 100% जीत पाती है। इसलिए एक का ही गायन देवता का है अमृतवीर, और देवताओं का ये गायन नहीं है। बाकी ये बात नहीं है कि ज्ञान में आने से ही कोई अमोघवीर हो जाए, उस मुकर्रर रथधारी को भी राजयोग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाप की याद में रहते उससे ये प्रैक्टिस जब तक पक्की नहीं होगी तब तक उसकी प्रत्यक्षता भी नहीं होगी। प्रत्यक्षता कब तक के लिए रुकी हुई है? ये प्रैक्टिस जब तक है वो कृष्ण वाली सोल जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है और अपने को ही शिवोहम भगवान समझती है, वो जब तक अधीन न हो जाए। किसके अधीन? राम वाली आत्मा के अधीन न हो जाए, क्योंकि वो है हीरोइन का पाय। कौन सा? कृष्ण वाली आत्मा का ब्रह्मा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। सारा पाठ बजाने वाली और कौन है? माता का जगदम्बा। तो वो ब्रह्मा की टोली कलयुग के अंत में जब तक फुल कंट्रोल में ना आ जाए तब तक नहीं कहेंगे कि राम का राज्य सीता के ऊपर हो गया। अब्बल नंबर सीता कौन? जगदम्बा। और जगदम्बा भी अब्बल नंबर कौन? ब्रह्मा या इसी चोलाधारी ब्रह्मा। उस एक आत्मा के ऊपर सारा मदर। हाँ, तो जब तक उस बैल के ऊपर सवारी नहीं होती है शंकर की, तब तक नहीं कहेंगे कि काम जीते जगत जीत बन गया। काम जीते जगत जीत की निशानी ही ये है, जो आत्मा सामने आ गई वही कन्वर्ट हो जाते। जैसे नेहरू जी के सामने जो जाते थे वो सर झुका देते थे, उनकी बातों को मान लेते थे। पीछे से भले कोई कितना भी विरोध करने वाला हो कि नेहरू जी ऐसा है, नेहरू जी ऐसे कहता है, ऐसे करता है, वैसा करता है, जब सामने जाते तो नतमस्तक हो जाते। तो ये निशानी है पावरफुल वाइब्रेशन की। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन से नई सृष्टि का जन्म होगा। सृष्टि के पहले पत्ते कृष्ण का जन्म होगा। पूरा याद में इंद्रियां तब ही पूजी जावेंगी जबकि 100% पवित्रता समय हुई। इसलिए देवताओं की इंद्रियों का गायन चलता है, कमल नयन, कमल नेत्र, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाप। माने हाथ पांव से भी कोई ऐसा कर्म ना हो जो कोई को दुख महसूस हो जाए। हाथ पांव जैसी कर्मेंद्रियां भी सुख देने वाली हो, कोई को दुख देने वाली न हो। मतलब यहाँ ये लिंग रूप पूरी जाती है, मतलब वो 100% आपने रह कर वो काम किया गोपाल इंद्रियों से। हाँ जी, और वो ये चीज होती है और उसकी निशानी ये होगी, निशानी ये होगी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नहीं तो जिन इंद्रियों से जो लगाव पूर्वक सुख भोगा जाता है
वो सुख याद जरूर आता है, और वो सुख याद आएगा तो पतन पने में ले जाएगा, पति तो जरूर बनेगा, बुद्धि गड्ढे में जरूर जाएगी, कैलाशवासी नहीं हो सकता फिर। बात तो साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ ले जाऊंगा बुद्धि। फिर बाबा ने कहा कि जो बुद्धि को लेकर गाय ने खाना है, जो शत्रुघर है शत्रुघर में बेच देते बोलते बाबा ने के ऊपर। कहने वाली जो आत्मा है जो वो सुप्रीम सोल है, आप कहूँगा साथ जो सुप्रीम सोल साक्षी होकर के बैठता है, और जो साथी हो जाता है वो है शिव बाबा। तो शिव बाबा तो साथ ही ले जाते ना, इस धरती पर सदा टाइम कौन है, शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा साथ ले जावेंगे और शिव बाप साथी हो जावे। वो खुद ही ससुर है। अरे घर जो बनाया जाता है वो ससुर बनाता है बहू बेटों के लिए, या बनाने वाला कोई और होता है? ससुर ही घर बनाता है, तो नई दुनिया बनाने वाला कौन? प्रैक्टिकल में रचयिता कौन? रचयिता सुप्रीम को ज्योति बिंदु को थोड़े ही कहेंगे, रचयिता तो साकार होना चाहिए। साकार में जो ब्रह्मा और ज्ञान चंद्रमा कहते हैं ना, हाँ जी, साकार में बाप को क्यों ज्ञान क्यों नहीं कहते? राम राम वाली आत्मा ज्ञान सूर्य शिव है, और ज्ञान सूर्य वंशी प्रजापिता है। मैं जब आता हूँ तो सूर्य को ज्ञान देता हूँ। वो कहते हैं कि सूर्य को ज्ञान देता हूँ, तो जिससे साबित होता है कि जो देने वाला है वो स्वयं आत्मा है, वो सूर्य तो साकार है। वंशी रघु कुल, रघु के कुल का है, रघु माने ही सूर्य, तो रघु का आती ही है सूर्य। राम वाली आत्मा ज्ञान सागर कही जा सकती है, सागर इसका पृथ्वी से कनेक्टेड है, सूर्य तो सागर से भी परे है और पृथ्वी से भी परे है, पहाड़ों से भी परे है। पहाड़ों में जो सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय पहाड़ है, हिमालय बर्फ का घर है, उससे भी परे है। सूर्य को देते मैंने माना सूर्य तो साकार होना चाहिए ना, भाव सूर्य साकार होना चाहिए ना, कहते बृहस्पति है, मंगल है, बुद्ध है, ये दो से मिलकर के एक है चैतन्य, एक है सूर्य और एक उसमें प्रवेश हुई आत्मा। ऐसे सूर्य के भी दो रूप है, एक निराकार और एक साकार। और जब वाली हरेक धर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, कन्वर्ट है जाकर हर धर्म में जाकर के हर धर्म वालों को राजाई का फाउंडेशन डालने के लिए जाती है। धर्म में जाती है शंकराचार्य को खत्म करने के लिए, द्वापर को खत्म करने के लिए, धर्म में शंकराचार्य जब आए हैं उसको आदि शंकराचार्य वो अपर तो उस समय उनकी गद्दियाँ नहीं होती थी, संन्यास धर्म की गद्दी नहीं चली थी शुरुआत में। उन्होंने घूम घूम करके चारों दिशाओं में चार मठ स्थापन किए, बाद में उनके गद्दियाँ स्थापित हुई।
वो गद्दी स्थापन करने का काम भी प्रजापिता करते आदि शंकराचार्य साहब बाल ब्रह्मचारी था, बाद के सन्यासी सब बाल ब्रह्मचारी नहीं होते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये बात आता है कर्मों में ब्रह्मा को मान रहा हूँ और कैलेक्शन ब्रह्मा ने किसी को दुख तो नहीं दिया, ठीक है, वो दुख तो लिया है ना, है वो दुख तो लिया है, ब्रह्मा तो दुख तो लिया, कैसे दुख लिया? अगर कोई दुख लेता है तो अपनी आत्मा को दुखी करता है या दूसरों को दुखी करता है? दूसरों को दुखी करता है, लेता है। अगर कोई दुख लेता है, मान लो किसी ने गाली दे दी और गाली दे दी और हमारी आत्मा अंदर अंदर दुखी होती रही, तो उससे कोई दूसरे को दुख हुआ नहीं हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं बना दूसरे का, हमारी आत्मा का हनन हो गया, हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ब्रह्मा की सोल ने अपना टाइम वेस्ट किया, किसी दूसरे को तो दुख नहीं दिया, तो वो अंतर पड़ गया। लेकिन ये भी नहीं करना, आत्मघात महापापी कहा जाता है, आपघात भी नहीं करना है। हाँ जी, नहीं वो कोई कर्म थोड़ी है, वो तो अंदर 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 सोचने की बात है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं, माने ब्रह्मा ने कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे कोई को दुख हो जाए। इसलिए कर्मेंद्रियों के कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। अब और बात मेरी माननी है, बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, उनकी सुगंध चारों ओर फैलती है, ऐसे ही ये ज्ञान की दुनिया है जिसमें अच्छे और खुशबू वाले और बदबू वाले दोनों प्रकार के फूल खिलते हैं। तो जो खुशबू देने वाले फूल हैं, वो वसंत ऋतु बनाने वाले हैं। वसंत माना खुशबू देने वाले, चारों तरफ देवी गुणों की खुशबू फैलाते हैं। जहाँ जाएंगे, जिससे बात करेंगे, जिसके सामने उनका मुखड़ा पहुंचेगा, उन्हें देख करके सब खुश होंगे। उसको कहते हैं बसंत। वो एक बसंत का पार्ट भी है जो 100% बसंत का पार्ट बजाता है, और उसके मुकाबले एक रूप का पार्ट जो इतना रूपवान है, इतना रूपवान है कि जब संसार में प्रत्यक्ष होगा, जिसने एक बार भी उसको देखा होगा वो उसके रूप को भूल नहीं सकेगा, भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकेगा। बाबा कहते हैं अभी समस्या ये है कैसे याद करें, माया बार बार बुलाई देती है, फिर क्या होगा? फिर समस्या ये हो जाएगी देखने वालों की कि जिसने देखा है वो उसको अभी को भूल नहीं सकेगा, कैसे भूले, ये कहां मुसीबत पड़ गई, आफत पड़ गई, ये स्थिति हो जाएगी। तो बताओ वो रूप कौन है और बसंत कौन है? बाप और ब्रह्मा है, बाप और ब्रह्मा, माँ बाप। आधा सच्चा आधा गड़बड़ा दे, बताओ रूप कौन है और बसंत कौन है? वसंत वही है। हाँ, रूप है प्रजापिता ब्रह्मा,
और बसंत है दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाली नारायणी, वैष्णवी नारायणी। ये रूप बसंत की जोड़ी है जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। ब्रह्मा को किस हिसाब से बोल दिया? ब्रह्मा भी तो बसंत खुशबू फैलाएगा। बाप की वारस है, है? बाप की वारस है मुरली पाई, बाप की वारस है, बाप का प्रजा है और बाप का भक्ति है। जो भक्त बनते हैं वो उनको शरीर जरूर छोड़ना पड़ता है। वो अंत में जो आदि पापा तो आदि दुनिया पर जो सारे चार बाप है उसमें वो भक्त नहीं होते हैं, वो सभी ज्ञानी आत्मा है ना। तब वो भक्ति की बात क्यों है? बाप की बात क्यों है? तो बाप की भक्त भी है, वारस भी है, प्रजा भी, वो सही भक्त है। लेकिन भक्त भी होती है ना बाप को, वो साढ़े चार लाख में नहीं है तो सभी ज्ञानी तो आत्मा है ना। अंत में जो नहीं साढ़े चार लाख में सब धर्मों की आत्माएं है बीज रूप, लेकिन उन बीज रूपों में जो सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बीज है वो प्रजा है। और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले बीज है तो भक्ति का फाउंडेशन जरूर डालेंगे। ऐसा हो नहीं सकता जो भक्ति को छोड़ दे, चाहे इस्लाम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, कोई धर्म के बीज क्यों न हो, उनका छिलका ही इस प्रकार का है कि वो भक्ति को पूरा छोड़ नहीं सकते। लक्षण कैसे लिखना पड़ता है? लक्षण कैसे लिखना पड़ता है? देखने से ही उनके पैसे का जीवन से ही पहचान में आवेगा। सुप्रीम सोल सोल बनाते हैं या हर आत्मा अपने पुरुषार्थ से बनती है? संघ का रंग भी साकार में लगता है या निराकार में लगता है? साकार में लगता है। प्रजापिता के लिए साकार कौन है? कोई साकार है? साकार नहीं है, वो याद ही साकार है। जो याद है उस याद की ही पावर से परिवर्तन होना है, बाकी कोई साकार का संग नहीं है। बच्चों के लिए ये फायदे है विशेष कि बच्चों को साकार का संग मिलता है, इसलिए सहज हो जाता है और उसको नहीं मुश्किल भी नहीं हो जाता है। मुश्किल तब तक है जब तक अपने स्वरूप के ऊपर पक्का निश्चय नहीं है कि यही मुकर्रर रथ है। जब ये पक्का निश्चय हो जाए कि यही मुकर्रर रथ है तो अपने स्वरूप को याद करना सहज है या पराये स्वरूप को याद करना सहज होता है? अपनों को याद करना और सहज हो जाता है। लेकिन इतना श्रेष्ठ बनकर भी वो सबसे पतित क्यों बनना है? ये
ये बाप टीचर और सदगुरु समझने वाले नंबर वार अलग अलग है। जिसने एक बार अंजाम कर लिया ये मेरा बाप है, तो उसको इस गंदी दृष्टि से देखता है कि हमारी अम्मा के साथ क्या क्या काम करता है। ये दृष्टि आवेगी? बिल्कुल नहीं आवेगी। अगर आती है अरे उससे क्या साबित हुआ? उसका पूरा निश्चय नहीं। अरे पक्का सूर्यवंशी नहीं है, सूर्यवंशी बनना है। क्या सूर्यवंशी बनना है? इसलिए ये बुद्धि में पक्का निश्चय होना चाहिए। बाप बाप भी है। कौन है? हमारा बाप भी है और सुप्रीम टीचर भी है और हमारी सबकी सदगति करने वाला सदगुरु भी है। वो श्रेष्ठ भावना हट नहीं ना पाए। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा पूछते थे किसी गोद में आए हो? अगर ये बुद्धि में है कि शिव बाबा की गोद में आए तो क्या हुआ? पास। अगर ये बुद्धि में आया ब्रह्मा की गोद में आए तो क्या हुआ? तो अगर देखने वाले ने प्रजापिता को देखा और उसमें सुप्रीम सोल को नहीं देखा तो देखने वाले की गलती हुई या किसकी गलती हुई? देखने वाले की गलती हुई। सुप्रीम सोल तो नहीं कहता कि तुम ये समझो कि ये बोलता है कि वो बोलता है, ये कर्म ये करता है वो कर्म वो करता है, तुम क्या समझो? यही समझो कि जो कुछ करते हैं वो सब क्यों बाबा ही। अगर ये कुछ उल्टा करते भी है तो मैं जिम्मेवार बैठा हुआ हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं। ये दृष्टि ही बदल जानी चाहिए। लेकिन माया ऐसी हरकत है जो बुद्धि को घुमाए देती है, कुछ न कुछ अनिश्चय वाली बात पैदा कर देगी, कुछ न कुछ अनिश्चय वाला वाइब्रेशन फैला देगी और हम बच्चे उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और बिना समझे करते करते रहते यहाँ ही यहाँ भी नई सच वाले जो भाव ने कहा तो करने समझो नहीं समझते बाबा ने कहा तो करना ही है। अगर निश्चय बैठ गया, अगर निश्चय बैठ गया 100% सब तो ठीक है। कृपा भगवान ने ही कहा, डायरेक्ट कर दिया है, भगवान ने ही कहा है तो कर लेने में कोई हर्जा है? अरे जिसको ये 100% निश्चय हो गया कि हमें साक्षात भगवान मिल गया, अर्जुन को साक्षात निश्चय हो गया, कौन बैठा है हमारे सामने? कौन खड़ा है? साक्षात भगवान खड़ा है विराट रूपधारी। तो जो कहेगा तो नहीं करेगा है? अगर कहेगा तो करेगा तो निश्चय बुद्धि, और वो कहे और वो ना कर दे मैं ये नहीं कर सकता तो अरे तो अनिश्चय बुद्धि। वो किया तो भी ब्लाइंड फेथ से ही किया ना? ये ब्लाइंड फेथ हुआ। ब्लाइंड उसे कहा जाता है जो समझे बगैर मान ले कि हमारा बाप है। यहाँ तो समझ लिया ना उसने कि ये भगवान बाप है, और यहाँ अभी ये पक्का है कि जब तक कृष्ण की आत्मा नहीं समझेगी तब तक कोई भी समझेगा ही। पहले पत्ते ने नहीं समझा तो फिर और पत्ते पहले कैसे समझ लेंगे? इसलिए सबको निश्चय अनिश्चय आता रहे और कुछ न कुछ निश्चय अनिश्चय की बातें भी करते रहते, बात से भी पकड़ में आ जाता है निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि। बाबा में जो बूढ़े माता इनको भारी
पामेली माताओं को बूढ़ी माताओं को प्राप्ति भारी है हाँ जी, लेकिन तो उनको भावना जाती होती है तो ज्ञान नहीं होती है, बिना सही ज्ञान यात्रे याद आ सकते क्या है? बिना ज्ञान, बिना ज्ञान अगर महत्व को विचार तो बिना ज्ञान अगर मगर भी तो लगा दिया बाद में माताओं के लिए अगर कौन सा लगा दिया, परंतु कौन सा लगा दिया? हाँ, अगर ममता के ऊपर जीत पाली, मोह के ऊपर जीत पाली, मेरा मेरा के ऊपर जीत पाली तो बहुत ही सुपर पा सकते, वो याद होता है बाप है, वो याद तो याद होता है। हाँ, अगर ममत के ऊपर जीत पाले तो वो उसमें सारे कह रहे उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? रतन जो होते हैं एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं, और जो सूर्यवंशी अक्ष देव है वो सिर्फ सूर्यवंशी है, सब हीरे हीरे है, कोई भी माणिक नहीं है, मोती नहीं है, पन्ना नहीं है, मूंगा नहीं है, तो अक्षरत्न से श्रेष्ठ है वो है, अक्षरत्न से हाँ, वो सदैव सूर्यवंशी के पार्ट बजाने वाले, और वो तो बीच में द्वापर युग से ही दूसरे धर्म में करवा, लेकिन अष्टरत्न की क्यों गायन है, अष्टदेव की क्यों नहीं है, तो अष्टरत्न की माला अष्टरत्न बनेंगे ही तब जब उनमें वो देव प्रवेश करेंगे, वो अष्टदेव हाँ जी, वो अष्टदेव जब तक प्रवेश करके उनके द्वारा श्रेष्ठ पाठ नहीं बजाएंगे तब तक वो अष्टरत्न की गिनती में ही नहीं आती, मतलब उनका भी वो गायन है, अष्टदेव है आत्मा, तो अष्टरत्न है जैसे उनका शरीर, नहीं रहता है शरीर, रहता है लेकिन उनमें ये चित्त हो जाती है परिपक्व स्टेज पाने पर कि जब चाहे तो अपने शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाए, और जब ना चाहे तो शरीर अलग और आत्मा अलग, और वो आत्मा जहाँ चाहे जिसमें चाहे उसमें प्रवेश करके उसकी बुद्धि को हिला के और वापस अपने शरीर में आ जाए। और मंदिर मूर्ति की बात है ना, तो कहा है बाप जगन्नाथ मंदिर में बाहर में नंगा नग्न मूर्ति को दिखा दिए, नग्न मूर्ति को मुरली में बाइट आती है, गौर है नग्न मूर्ति को बाहर कहा जगन्नाथपुरी में तो बाहर जगन्नाथ के मंदिर में बाहर जो मूर्तियां रखी है, और कोणार्क मंदिर में जो बाहर मूर्तियां रखी है वो नंगी मूर्तियां दिखाई गई है असली, हाँ वो उपाय जाती है मुरली में तो गौरव मंत्र की इतनी ताकत नहीं है उसको निकालने के लिए, हाँ जी लेकिन बाबू ने कहा है तो कोई गलत काम किया इसलिए उसको बाहर रखा है मंदिर के अंदर में नहीं रखा है, हाँ जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग जैसा जो मंदिर है उसमें प्रवेश करने लायक नहीं है, तब तक वो पुरुषार्थ ही जीवन है, संपन्न जीवन नहीं कहा जाएगा, तब गवर्नमेंट को क्यों नहीं ताकत है उसको निकालने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट को इसलिए ताकत नहीं है कि वो सच्चे पुरुषार्थी है संपन्नता की स्टेज को पाने के लिए, और दुनिया में कोई भी इतने सच्चे पुरुषार्थी नहीं जो मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, हाँ जी बाप जो प्रजापिता और धर्म में जाकर राज्य स्थापना करने की जाती है ना, तब उसका तो
आहार विहार व्यवहार में उसका प्रभाव में आना पड़ता है, तब वो मांसाहारी बनती है, ऐसा ऐसा बनता है ना। मांसाहारी तो भारत के राजाएं भी बनते हैं पहले से। दूसरी बात यह है, प्रजापिता जिस धर्म में भी राजाई स्थापन करने के लिए जाएगा या उनका जो भी ग्रुप साथ में जाएगा, वो उस धर्म की तमो प्रधान रजो प्रधान स्टेज में जावेगा या सातो प्रधान स्टेज में जावेगा, सत्व प्रधान में जाएगा। हाँ जी, ये अंतर होता है, तब वो नहीं होता है। हाँ जी, वो संघ का रंग नहीं लगता जिससे एकदम नीचे आना हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है। प्रभाव बनता है, इसीलिए तो कलयुग में आकर के प्रजापिता और प्रजापिता के जो भी सहयोगी हैं, भले तीन बटे चार उनका हिस्सा का होता है, फिर भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कलयुग। बातें मतलब तो ब्रह्मा भी बनता है ना बाबा, बहुत सारे और धर्मों के प्रभाव में देवता बनना है तो दैव गुण धारण करना पड़ता है, और देवता गुण कैसे धारण करे ये प्रश्न आया। पहली बात तो ये है कि जो देव आत्माएं होती है उनको ये प्रश्न नहीं आएगा कि देवता बनना पड़ता है, क्या पड़ता है माने मजबूरी हो गई उनके जीवन में देवता बनने की, जैसे ललक लगी हुई होगी, बनना ही है, बनना पड़ता है, ऐसे कोई बंधिश महसूस नहीं होगी, उनका सहज राजयोग होगा। और बाबा जो अश्रद्धा मान के या तो भक्ति के बीच में हमें दिखा देगा, हाँ जी, वो क्या है बात को ज्ञान की संबंध में अश्रद्धा मत हो, जिसकी भक्ति के बीच में मणि दिखा दे वो आत्मा की यादगार की, हाँ जी, वो अश्रद्धा मत हो, आत्मिक स्थिति की यादगार स्थिति, पर मतलब वो ज्ञान के संबंध में का विस्तार रूप में अश्रद्धा से अश्व माने क्या शरीर को है, अश्व माने क्या घोड़ा है क्या, अश्व माने मन रूपी घोड़ा, इच्छ माने क्या, स्थिर माने आत्मा रूपी घोड़े को स्थिर कर दिया, और नाम पड़ गया अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को माँ के ऊपर ज्यादा रिगार्ड था या द्रोणाचार्य बाप के ऊपर ज्यादा रिगार्ड था, बाप के ऊपर द्रोणाचार्य के ऊपर नहीं, माँ के ऊपर ज्यादा रिगार्ड था, उनको फिर भी बहुत से प्रश्न पैदा होते थे पिताजी के ऊपर, एकलव्य का कलंका काट लिया तो भी उनको प्रश्न पैदा हुआ ये क्या किया, ये तो अन्याय कर दिया, पर जो माँ के ऊपर जो प्यार लगने वाला बहुत सा धर्म है, हाँ जी, बाप के ऊपर नहीं थी, तो काम कटा की योजना मतलब है तो वो कमजोर होना शक्ति क्षरण होना उसको कह रहे हैं बात ये विस्तार रूप में कोई क्या है, हाँ विस्तार रूप में और कुछ क्या है,
काम विकार की शुरुआत ही कहाँ से होती है किस इंद्रिय से? हाँ, इंद्रियों से ही कामना की शुरुआत होती है। इससे पहले जो स्थिति होती है उसको काम विकार नहीं कहेंगे। जो काम विकार है वो मार करने वाला है। जो ज्ञान इंद्रियों से पतन होता रहा सत्युग और त्रेता में, उसको मार करने वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें क्षरण नहीं होता। शारीरिक स्थूल क्षरण नहीं हुआ। अब द्वापर युगते शारीरिक स्थूल क्षरण होने लगा, शक्ति क्षीण होने लगी, इसलिए उसको पतित कहा गया। पतित माना ही नीचे गिरना। धर्मेंद्रियों की छोरी है, शिवलिंग जलाधारी में ही रखा रहता है, उसको कोई पतित नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि शक्ति क्षरण नहीं होती। क्योंकि भला कीचड़ में है, गड्ढे में है, तो भी गड्ढे में वो शक्ति क्षीण नहीं होती, इसलिए उसको पतित नहीं कहेंगे, वो एवर प्योर है। बाबा जो ब्रह्मा सरस्वती जो जन्म देती है वो प्रक्रिया है, मुक्ति चुंबन की प्रक्रिया द्वारा, मौखिक प्यार द्वारा उनको जो जन्म देती है सत्युग में, माना राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बड़े होकर जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ जी, वो मौखिक प्यार से होते हैं। हाँ जी, मतलब चुंबन, ब्लड कनेक्शन भी चुंबन द्वारा होते हैं। हाँ जी, वो चुंबन भी वो पब्लिक में कर नहीं सकती है ना? हैं? पब्लिक में? हाँ, पब्लिक में वो नहीं कर सकते है ना, वो बुरा माना ही नहीं जाता है। व्यभिचार को बुरा माना जाता है, वहाँ व्यभिचार होता ही नहीं। यहाँ भी पब्लिक में ऐसा नहीं करते हैं बाबा कभी। यहाँ तो इसलिए करते हैं कि ऐसा किया माना जो काम इंद्रिया है वो भी अपना कार्य करेंगे, उसके लिए एग्रीमेंट हो गया। वहाँ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। वैसे वहाँ प्राइवेसी की बात नहीं। हाँ जी, किसी से लेन देन नहीं करना पड़ता, किसी से लेन देन नहीं करना है। हाँ, लौकिक संबंधियों से भाई बहन होता है ना, उनसे ही मना है ना, लेन देन करने के लिए मना नहीं किया, उधार लेने और उधार देने के लिए मना किया। लौकिक संबंधियों से रोजमर्रे के व्यवहार में जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनसे तोड़ निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, या उनका सिर्फ लेते जाएंगे, वो देते जाएं और हम लेते जाएं, और ये समझें कि ये कोई उधार थोड़ा ही है। ये तो रोजमर्रे के जीवन में जो परंपराएं चल रही है मनुष्य जन्म में, उन परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं वो लोग, इसलिए हमको देते हैं तो हम लेते जा रहे हैं। वो कोई जरूरी थोड़े ही कि उन्होंने दिया है तो हमको वापस करना पड़ेगा, और उधार किसे कहा जाता है? जो लिया है उसे वापस नहीं करना, इसलिए ऐसा उधार नहीं लेना है और उधार देना भी नहीं है। और जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष शास्त्र है ना बाप, वो इंसानों को जीवन को एक ग्रह की स्थिति में बताते हैं ना, एकता यहाँ पर है, इस स्थान पर है, इसका प्रभाव ऐसा होती है, ऐसा बोलते हैं।
लेकिन अभी वो नवग्रह जो है वो तमो प्रधान रहे, उसका प्रभाव कैसा होगा? माना जो ग्रह की अभी ग्रहों में नौ ग्रह है, नौ प्रकार का पार्ट बजाने वाले नहीं है भाई बाबा, लेकिन वो सर्व प्रधान इसमें सात्विक पार्ट बजाने वाला ग्रह भी है और तामसी पार्ट बजाने वाला ग्रह भी है। अगर ऐसा न होता तो बृहस्पति की दशा हमेशा श्रेष्ठ नहीं मानी जाए। ऐसा नहीं कह सकते कि अभी सभी ग्रह तमो प्रधान है, इसलिए ज्योतिष का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ सकता। नहीं, वो तो एक गणित है, मैथमेटिशियन गणतज्ञ कोई होशियार होता है और कोई जल होता है। अगर सही गणित लगाया जाए तो ज्योतिष का रिजल्ट सही आना चाहिए और आगे करके ये सारा ईश्वरीय ज्ञान ज्योतिष के गणित के नियमों के अनुसार सच्चा साबित हो जाएगी। मतलब सात्विक पार्ट बजाने वाला मानो उससे जो प्रवेश करते हैं वो आगे है ना। Thank you.